सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC बैंक के पेजअप UPI ऐप के द्वारा वर्चुअल पेजअप कार्ड से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेक माइंड वर्ल्ड। अपने पेजअप ऐप को ओपन कर लेंगे और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। यहां पर आप मेरा वॉलेट बैलेंस देख सकते हैं, 2177 रुपए है। अब यहां रिचार्ज एंड बिल पे पर क्लिक करना है। अब यहां इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर सभी स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दी हुई है, आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डालना है। कंज्यूमर नंबर को अकाउंट ID भी बोलते हैं। अगर आपको कंज्यूमर नंबर पता नहीं है तो इसे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर से देख सकते हैं। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर और बिल डिटेल आ गई है। यहाँ कस्टमर नेम, बिल ID, बिल नंबर, बिल डेट, बिल ड्यू डेट और बिल अमाउंट शो हो रही है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब कुछ देर के लिए वेट करेंगे, प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पेजअप कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी एक ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 10% कैशबैक, मैक्सिमम 250 रुपीज कैशबैक पर मंथ पर कस्टमर। ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। ऑफर लेने के लिए बिल पे प्रोमो कोड को लगाना है। प्रोमो कोड लगाने के लिए यहाँ गोटा प्रोमो कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोमो कोड डाल देंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, प्रोमो कोड अप्लाई हो गया है। अब यहाँ अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट प्रोसेसिंग चल रही है। जब तक पेमेंट प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई भी बैक और रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है। ये देखिए, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ व्यू इनवॉइस पर क्लिक करके पेमेंट डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID नंबर आ गया है, यहाँ ट्रांजेक्शन डेट और टाइम आ गया है, यहाँ ट्रांजेक्शन स्टेटस आ गया है सक्सेस और नीचे पेमेंट डिटेल दी गई है। बिल पे हो जाने पर एक ईमेल भी आएगा। मेल में आपको बिलर नेम, कंज्यूमर नंबर, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट डेट और ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर भेजा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।